ओम शांति। त्याग तपस्या की विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले महारथी बच्चों को अव्यक्त बाप दादा ने संबोधित करते हुए कहा कि सुख शांति की जननी पवित्रता है। पवित्रता के बगैर सुख शांति आ ही नहीं सकती। जैसे माता के पास उसके बच्चे खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, वैसे ही पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख शांति आपे ही आ जाती है। बाबा ने आज पवित्रता और महानता का टाइटल दिया। बाबा रोज हमें नए नए टाइटल देते हैं, बाबा रोज हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। तो आज पवित्र आहार, पवित्र आचार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विहार, पवित्र संस्कार और पवित्र समाचार सुनने सुनाने का संकल्प करेंगे और बेगमपुर का बादशाह बनने के लिए पवित्रता को धारण करेंगे। पवित्रता के बगैर नई दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। हमारा आदि और अनादि स्वरूप पवित्रता है। हमारे लिए ये सहज क्यों है? क्योंकि हमने स्वधर्म, स्वदेश, स्वकर्तव्य, स्व के पिता शिव बाबा को और स्व स्वरूप को जाना। तो बाबा ने जब हमें यह ज्ञान दिया, यह बेहद का ज्ञान, बेहद के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर प्राप्त होने के बाद यदि हम अपवित्र बनते हैं, अपवित्रता से जुड़ा हुआ या विकारों के वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं तो धिक्कार है, लानत है। इस ज्ञान में आने के बाद भी यदि हमारे कान में जू नहीं रेंग रहे हैं तो हम विचार करें। पवित्रता फाउंडेशन है। ध्यान रहे जो पवित्र हैं उनके आगे समस्याएं चींटी की तरह हैं। हाथी के पांव के नीचे चींटी नहीं दिखाई देती। ठीक उसी प्रकार समस्याएं, परिस्थितियां, मुसीबतें खेल खेल में समाप्त हो जाती हैं। तो खेल खेल में शिव बाबा से मेल कर नई दुनिया में जाने के लिए, आदि में आने के लिए पवित्रता को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो पवित्रता फाउंडेशन है। तो उपरोक्त बातों का विशेष ध्यान देते हुए आज अव्यक्त से अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हुए अव्यक्त मुरली को डबल अटेंशन के साथ सुनेंगे। बाबा ने कहा कि त्याग तपस्या के साथ समस्याओं को ऐसे लात मार देते हैं ब्राह्मण वत्स या महारथी बच्चे, जैसे कृष्ण को फोटो में, तस्वीर में दिखाया गया है कि वो नर्क को लात मार रहे हैं। तात्पर्य ये है कहने का कि समाधान स्वरूप बाबा ने बना दिया है। तो हम संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें और सदा उड़ती कला में उड़ते रहें और उमंग उत्साह के साथ दूसरों को भी पंख लगाकर उड़ाते रहें। ओम शांति।